कॉप ही इंटरप्राइजेज अपने ग्लोबल विलेज टेक पार्क को अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन को बेचेगा। इस डील का वैल्यूएशन 2600 से 3000 करोड़ रुपए होगा। कंपनी की बोर्ड बैठक में बुधवार को इसकी मंजूरी दी गई। ड्यू डिलीजेंस और रेगुलेटरी मंजूरियों की प्रक्रिया 30 से 45 दिन में पूरी होने की उम्मीद है। बेंगलुरु स्थित ग्लोबल विलेज टेक पार्क करीब 100 एकड़ में फैला है। इसमें माइंडट्री जैसी कई आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं। कॉफी डे ने एक अन्य सब्सिडियरी अल्फाग्रेप सिक्योरिटीज को भी बेचने का फैसला लिया। इसे 28 करोड़ रुपए में इल्लुमिनाटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जाएगा। कॉफी डे का कहना है कि इन सौदों से जो रकम मिलेगी उससे कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी का संचालन आसान होगा। ग्राहकों, कर्मचारियों, कर्जदाताओं और शेयरधारकों के हित सुरक्षित रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉफी डे ग्रुप पर 6547 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ का शव 31 जुलाई को नदी में मिला था। इससे पहले लिखे एक पत्र में उन्होंने कर्जदारों के दबाव का जिक्र किया था। इस रंगनाथ फिलहाल कॉफी डे के अंतरिम चेयरमैन हैं।